नमस्ते दोस्तों, मेरा विलेज देसी किचन पर आप सबका स्वागत है। बहुत आज देखिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आज ही टीना का हमने चूल्हा बनाएंगे। ठंडा का मौसम है तो इसका चूल्हा बनाने से जहां मर्जी तहां खाना बनाने सकिएगा। ये टीना का चूल्हा, ये देखिए बहुत दिन से पड़ा हुआ था घर पर। एगो इस तरफ का था घर में, बहुत दिन से पुराना टूटी फूटी है। इसको भी हम मट्टी से बनाएंगे अच्छा सा। इसमें आग बना के घर पर ताप सकते हैं, मिट्टी का घर पर। देखिए बहुत अच्छा से बनाएंगे। मेरा वीडियो को पहले से लेके लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये टीना बहुत दिन से मेरा घर में रखा हुआ था टीना। अब इसका चूल्हा बनाएंगे ना, ये चूल्हा बहुत काम आ जाएगा। आप टीना से भी बना सकते हैं। घर में कोनो बाल्टी होगा, छोटा फूल का टॉप होगा, उससे भी बना सकते हैं, गमला आर में बना सकते हैं। ऐसे भी चूल्हा मट्टी का बनता है, लेकिन हम इसमें बनाएंगे, टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा से बनाएंगे। पहले इसको काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे। पहले हम इसको माप से काट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस तरफ के बनाएंगे। देखिए हमने ये पेंसिल लिए रंग वाला, इसको इस तरफ हम दाग दे देंगे, काटेंगे टीना को। ये हम चारों साइड से इसको दाग दे दिए। अब इसको इसी का मदद से हम इसको काटेंगे, छेनी हथेली के मदद से। अगर नहीं काट सकिएगा, इसमें हाथ भी कट जाता है, तो घर के कोनो मदद से बोलिएगा काट देने के लिए। और के लोग सी काम नहीं होगा, हम तो कोशिश करके देखते हैं आप लोगों के लिए, काट लेंगे। ये टीना को हम काट कर बाद में दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, काट तो लिए हमने, इसमें बहुत धार होता है। हाथ में देखिए कुछ पहने नहीं, लेकिन आप लोग इस तरफ नहीं करिएगा, हाथ काट देने को डर है। अब इसको हम साइड से मोड़ देंगे, इस तरफ को मोड़ देंगे सब। एक वही कर लेंगे, देखिए दोस्तों कितना मुश्किल से हमने काटे। देखिए टीना को अब इसमें चूल्हा बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे चूल्हा, इसीलिए कट दिए इसको। चलो मुंह बनाएंगे इधर से, देखिए चूल्हा यहाँ से काटेंगे, मुंह बनाएंगे ऐसे, जलाने वाला चूल्हा होगा। काट कर दिखाते आपको। देखिए जो आधा को मैंने काटे, जो आधा वो आधा को अच्छा से मोड़ दिए। इसका तरी में देंगे, टीना का तरी पर इसका तरी में देंगे, मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अंदर में दे देंगे दोस्तों, बहुत अच्छा से ये मजबूत हो जाएगा। इसी को नीचे में दे दिया, ये आधा वाला काटा जो था, बहुत मजबूत हो जाएगा। हम तो बहुत हिसाब से बना रहे, आप लोगों से नहीं होगा तो नहीं करिएगा। का इसका साइड में बहुत धार है, हाथ उठ कट जाने को टीना में डर है। फिर भी देखिए हम भी बहुत मेहनत से कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, बनाकर आप सबको दिखाएंगे। दे दिए ये वाला काट कर, आधा जो हुआ था बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसको चूल्हा को कभी भी उठा के ले जाइए, बना सकते हैं आप इसमें रसोई भी, पकवान बना सकते हैं। चलिए अब इसमें मिट्टी लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। लकड़ी का चूल्हा बनाएंगे, पहले ही यहाँ पर काट लेंगे इस तरफ, तब को दिखाएंगे।
कहाँ रे रंग इसमें आ रहे कहाँ। इस तरफ को दोस्तों काट लेंगे थोड़ा सा, जलानी देंगे, जलानी से ही चूल्हा बनेगा, जलानी का लकड़ी का। इस तरफ काट लेंगे इसको, देखिए इसको अंदर में ईटा दे दिए, ईटा देकर ईटा के सहारे पर काटेंगे। देखिए दोस्तों हमने सब बना लिए, अब इसमें मट्टी देंगे। ये अब शुरू करते हैं, देखिए मट्टी है यहाँ, जितना मट्टी लगेगा हमको उतना मट्टी से काम करेंगे। इसमें बाली देंगे मट्टी पर, बढ़िया से मट्टी को मिला लेंगे। अभी इसी तरह भी इसका अंदर में पूरा मट्टी मैंने लगा लेंगे, उसके बाद ये चूल्हा पूरा तैयारी करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने तो इतना सारा देखिए मट्टी लगा दिया चूल्हा पर, अभी तो पूरा रेडी हो रहे, थोड़ा सा और मट्टी का काम है। मेरा चूल्हा देखिए किस तरह बन रहे, देखिए अब इतना दूर तक लोग बाद में दिखाएंगे, इसमें मट्टी लगाएंगे। ये चूल्हा मेरा कैसा हुआ हमको कमेंट करके जनाइएगा, बोलिएगा चूल्हा मेरा कैसा लगा आप सबको। देखिए ये चूल्हा पर हमने थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा दिए, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाए, इसीलिए जो ज़्यादा मिट्टी लगाएंगे ना तो बैठ जाएगा नीचे पर, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाए। अब ये मिट्टी सूख जाएगा, दो दिन इसको छोड़ देंगे। देखिए उसका पही भी बना दिए कढ़ाई रखने के लिए, हल्का हल्का बनाए, अब फिर इसमें मिट्टी लगाएंगे। अभी हल्का हल्का बना दिए, दो दिन सूख जाएगा हल्का सा, तो फिर भी इसमें मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद पूरा चूल्हा को तैयारी करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मेरा दो दिन हो गए ये चूल्हा का, देखिए थोड़ा मट्टी इसका सूख गए, फट फट गए। अब इसको हम पूरा से मट्टी लगा देंगे, फिर अच्छा हो जाएगा देखने में, इसका मट्टी और नहीं सूखेगा, फटते जाएगा, मट्टी लगाते जाइएगा ठीक होगा। इस तरफ को फिर मिट्टी लगा लेंगे और नहीं फटेगा, और फट भी जाएगा ना तो फिर इसी तरफ मिट्टी देते रहिएगा, पूरा चूल्हा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। मेरा तो चूल्हा पूरा सूख गए, अब इसमें रसोई बनेगा।
फूटी गमला के ये बनाए थे हाथ तपने के लिए। देखिए सूख गए, इसको आप जलाएंगे, देखिएगा हाथ कैसे तापेंगे। देखिए दोस्तों इसी तरह आगे बनाकर हाथ तापेंगे घर पर बैठ के। बहुत अच्छा हुआ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों मेरा वो हाथ तपने वाला बोरसी देखिए कितना अच्छा जल रहे। इसको हम बनाए इसीलिए जो आग जलाने के बाद आपका किधरों से छाई जो होता है राख वो नहीं रहेगा, इधर उधर गिरा हुआ इसी का अंदर में रहेगा। अब उठा के ले जाके घर के बाहर में फेंक दीजिएगा राख को निकाल के, और फिर बोरसी में फिर जलाइएगा आग। अभी तो देखिए ठंडा का मौसम चल रहा है, हर आदमी का आग का तो जरूरत ही पड़ता है। देखिए अच्छा से कितना जल रहा है, इसमें आग भी बहुत देरी तक